कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। भगवान के रूप में हमारे यहाँ आए हैं, अवतार लिया है मोदी जी, जिन्होंने इतने अच्छे काम करे हैं। आधी आबादी पर मोदी का जलवा बरकरार है। मेरठ के मोहनपुरी इलाके में जब फर्स्ट बाइट डॉट टीवी की टीम ने महिलाओं के एक समूह से बात की तो ऐसी ही तस्वीर सामने आई। एक महिला ने यहां तक कह डाला कि नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं और योगी भी। वह चाहती हैं कि केंद्र में अगली सरकार भी मोदी की ही बने। इसके लिए मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से उतारे गए भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के पक्ष में मतदान किया जाएगा। देखिए कैमरे की नजर से इन महिलाओं से की गई वार्ता के अंश। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? भाजपा की ही बनेगी। किस वजह से? तो काम प्रगति की वजह से ही, प्रगति इतनी करी है उन्होंने, हमारे इस देश का इतना वो करा है, हर जगह इंटरनेशनल लेवल पे मतलब नाम है इसका, हर जगह इंडिया है। कैसे नाम है? जैसे आप लोग बार बार बता रहे हो कि इंटरनेशनल स्तर पर नाम है, तो कैसे नाम है? हर जगह आप ये देखिए, मोदी का ही होता है। नहीं पाकिस्तान था पहले, हमें कितना डराता था, क्या हमारे लिए क्या करता था, लेकिन अब देखो वो हमसे डर के रह रहा है। एक तरह से बिल्कुल मतलब वो हो चुका है, सरेंडर कर दिया पाकिस्तान। हाँ जी, मैं भाजपा सरकार को ही वोट देना चाहूंगी। किस वजह से? इस वजह से कि क्योंकि एक तो नारी सुरक्षा बढ़ी है और भाजपा सरकार में आज हम आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियां सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। और दूसरी बात यह, आज हमारे सनातन धर्म को जो इतना दबाया गया था, आज हमारा सनातन धर्म विश्व की मतलब में विश्व में उसका डंका बज रहा है, वो भी सिर्फ मोदी जी की वजह से। आपका ये कहना है कि महिलाओं में सुरक्षा की भावना ज्यादा पैदा हो रही है? हाँ, क्योंकि आज और मोदी सरकार ने ज्यादा माहौल इस तरह से विकसित किया। क्योंकि हम किसी भी समय जा सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। अब आप देख लीजिए अतीक अहमद, उनके भाई, अब अभी मुख्तार अंसारी जी, आप ये देख लीजिए कितना आतंकवाद बढ़ा हुआ था, आदमी घबरा रहा था। तो इसलिए उनकी वजह से हम भाजपा सरकार में खुश हैं और अपने पार्षद से भी बहुत खुश हैं। यानी कि यूपी में सुरक्षा का भाव ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा, पिछले सरकारों की तुलना में। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं हुआ जो भाजपा सरकार ने 9 साल में कर दिया। मेरा नाम प्रिया रस्तोगी है जी। मैं तो भाजपा के साथ ही हूँ और भाई सबसे पहली बात हुई थी महिला सुरक्षा को, जैसे इन्होंने कहा तो अब तो सबसे बड़ी बात है 33% आरक्षण मिल चुका है महिलाओं को। आप चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप राजनीति में आएं, चाहे आप किसी ऑफिस वर्क में जाएं, कहीं भी जाएं, 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं का अधिकार है आज की डेट में। अब आप देखिए राशन व्यवस्था देखिए, उज्ज्वला गैस योजना देखिए और वृद्धा पेंशन देखिए, महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था भी है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे दिल्ली से लेके मेरठ तक और मेरठ से लेके दिल्ली तक रैपिड रेल जो दी है, ये हकीकत में इतिहास के पन्नों में भी लिखा जाएगा। और साथ में जो है, और हम लोगों को तो इतनी सुविधा हो चुकी है कि 40 मिनट में हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। और मैं पूरी तरह से मोदी समर्थक हूँ। किस वजह से? देखिए जिस स्तर पर इस सरकार ने हमारे देश को पहुंचाया है विश्व में, आज उसका सम्मान है, नाम है, आज गुंडागर्दी खत्म हुई है, गुंडे अब डरने लगे हैं। अब पहले वाला माहौल नहीं है कि औरतें निकल नहीं पाती थीं, कि पर्स छीन कर भाग गए या ये हो गया वो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, छोटी से सुई से लेकर हवाई जहाज तक, जहाँ देखिएगा वहाँ सरकार ने अपना डंका बजा रखा। तो राम मंदिर ने किया है वो तो देखने लायक है, उससे तो बस देख कर एकदम सब अभिभूत हो गए। अच्छा, जिससे गाना चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या वाकई में हम लोग राम को लाए हैं? बिल्कुल, देखिए भावना तो कहीं ना कहीं थी, बस उसको बढ़ावा देने का काम मोदी जी ने किया। ये भावना कब से चली आ रही थी, हमारे पूर्वज जो राम पहले से राम आने के इंतजार में थे, राम इतने दिन तक टेंट में बैठे रहते, ये हमारी जो पीढ़ी ने देखा है वो पिछली पीढ़ियां नहीं देख पाई। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि हमने राम मंदिर बनते हुए देखा। जेपी ने हमें बहुत कुछ दिया है, मतलब एक कोई भी सरकार जो हमारे लिए काम कर रही है ऐसा उन्होंने करके दिया कि हमें कुछ पता लगा कि हाँ सरकार के ये काम भी होते हैं। वरना जैसे बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है अगर ये सरकार, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर ये होगा कि हम एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर हमारी आपकी उम्र है, किसने ये सोचा था कि देश में एक स्वच्छ भारत अभियान जैसी भी कोई चीज चलाई जा सकती है? प्लेटफॉर्म, सड़कें इतनी गंदी हुआ करती थी कि आज भी लोग खाके कार से बाहर कूड़ा फेंकते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात होती है। कभी मुझे नहीं लगता कि इतनी आबादी वाले इस देश में किसी ने सोचा भी होगा कि कूड़ा सड़कों पे ना डाला जाए। एक छोटी सी बात है, ये है चेंज इस सरकार का।
और एक महिला होने के नाते इन्होंने इतनी सुरक्षा दी है। एक छोटी सी बात देखिए, पहले महिलाओं का बैंक खाता खुलवाने का सोचा भी नहीं जाता था। इन्होंने एक छोटी सी कही कि भाई अगर सब्सिडी भी मिलेगी और वो महिलाओं को ही मिलेगी, इसलिए जो लोग ये कहते थे कि महिलाएं बैंक तक नहीं जाएंगी, तुम क्या करोगी, तुम्हारे बैंक में कैसे जाओगी, वो खुद स्कूटर के पीछे बिठा बिठा के लेके गए और उन्होंने कहा भाई खाता खुलवा लो, अब पैसे वहीं से आएंगे। तो इससे हमें भी मान सम्मान मिला है, आरक्षण मिला है, प्रिया जी ने बताया, उससे हमें भी आगे आने का मौका मिला है। अब घर वाले भी ये कहते हैं भाई ट्राई कर लो, अब तो 33% आरक्षण। आप सभी लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं या अरुण गोविल आए हैं? देखिए मोदी जी उनके लीडर हैं, हमारे भी लीडर हैं, अरुण जी उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं और मोदी जी को भी। वोट आपका मोदी को जाएगा या अरुण गोविल को? एक काम करने वाली सरकार को, एक फेस को, जो कि मोदी जी खुद हैं। इन्होंने जो भी काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि जो घर में रहते थे आजकल वो बाहर निकलने लगे हैं। पहले डर डर के रहते थे लोग बाग कि नहीं हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें घर में ही रहना है, हमें बाहर नहीं निकलना है। सबसे अच्छी बात है कि उनकी जो सुरक्षाएं हैं उनसे उज्जवल हो रहा है, सुरक्षा बढ़ गई है, बढ़ गई है। लेडीज में इस भाव ये ज्यादा भावना हो जागरा भाव, अब ज्यादा सुरक्षित हैं हाथों में। हाँ, बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को हम नहीं भेज सकते हैं, अब भेज सकते हैं कि अपना पता चलता है कि हाँ हम कितना बच्चे को आगे निकालना चाहिए। मेरा नाम पारुल है और मैं पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। किस वजह से? मतलब बहुत सारे रीज़न है, उन्होंने राम मंदिर बनवाया, जब कभी हम छोटे थे हम सोचते भी नहीं थे कि बस ये था लड़ाई हो रही है, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो रहा है, बाकी कुछ पता ही नहीं था। तो कभी राम मंदिर की वजह से नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जन औषधि केंद्र बनवा रखा है उन्होंने, इतनी सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ पर। आप कभी गए हो जन औषधि केंद्र? बहुत सारी बार दवाई लाए हूँ जी। सच बोल रहे हो? बिल्कुल, हमारे यहीं बाहर है, बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, पूरी ओरिजिनल दवाइयाँ होती हैं और कितनी कम रेट पर मिलती हैं वहाँ पर। सड़कें भी जाते हैं, सड़कें सारी इतनी चौड़ी चौड़ी हो गई हैं, एक मिनट में वो हो जाता है। और जब रात को हम बैली बाजार से यहाँ कहाँ से आते थे तो मुसलमानों का यूँ लगता था गुंडे हैं, पर्स छीन के भाग जाएंगे। हम 7-8 बजे से बाद बाहर नहीं जाते थे, अब यूँ हम 10 बजे तक भी घूम के अपने घर में आ जाते हैं। एक बात ये, और एक साफ सफाई है, और अब एक यो होना चाहिए, देखो अब पंडुवी का सुना था, अब वो भी बन रही है हमारे उसमें, कभी हमने देखा ही नहीं सुना, अब सुनने लगे हैं। और अभी यो होना, हाँ जी, अब यो भी होना चाहिए। बैंक में देखो अभी पहले से तो बहुत अच्छा है, मगर जो बड़े बूढ़े जाते हैं ना, थोड़ा उनका सपोर्ट नहीं करते बैंक। अरुण गोविल को आप किस तरह से देखते हैं जी? हम तो किस तरह से देखेंगे, हम तो जो काम अच्छा करेगा हम तो उसी तरह से देखेंगे। अरुण गोविल में भगवान राम देखते हैं या प्रत्याशी देखते हैं? हम तो भगवान राम ही देखते हैं। हमारा पूरा ही परिवार बीजेपी का वोट देता है और मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। किस वजह से? उन्होंने काम ऐसे करे हैं, एक तरह से वो तो भगवान के रूप में हमारे यहाँ आए हैं, अवतार लिया है मोदी जी, जिन्होंने इतने अच्छे काम करे हैं। हाईवे पे जाओ तो सारी सड़कें इतनी अच्छी बना दी हैं, बहुत ज़्यादा, और सफाई का बहुत ज़्यादा अभियान चल रहा है। किसी वजह से भी, किसी मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम उनको वोट ना दें। मोदी जी को आप भगवान मानते हैं? भगवान के रूप में आए हैं, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, जैसे कृष्ण अवतार हुए, राम अवतार हुए, इसी तरह से हम ये समझते हैं कि मोदी हमारे यहाँ अवतार बन के आए हैं। कहते हैं कि कलयुग में या जैसे भी कोई ना कोई अवतार बनता है, इस तरह मोदी जी हमारी संरक्षण हर तरह से अवतार बन के आए हैं। और योगी जी? योगी जी भी क्योंकि वो भी अवतार ही हैं दूसरे भाई। मोदी जी के दाएं बाएं हाथ एक दूसरे के हो गए नहीं हो गए, आप ये बताओ, मोदी जी बिना योगी नहीं, योगी के बिना मोदी जी नहीं। अरुण गोविल? वो तो हम देंगे ही देंगे, क्योंकि वो एक तो कमल का फूल हमारा है, बीजेपी की तरफ से खड़े हैं, ऊपर से राम का रोल इतना बढ़िया करा है, राम के रूप में आ रहे हैं। मेन तो पॉइंट ये है कि वो कमल के फूल को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। कोई मुद्दा भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग कमल के ही प्रति इतने आस्थावान? या मुद्दा ये है कि जब से कि हमने बीजेपी को वोट दिया है, कमल को फूल कर दिया है, जब से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारा पूरा देश। मैं मोदी और योगी को सपोर्ट करती हूँ। किस वजह से? क्यों, बचपन से हमारे घर में सभी लोग मोदी और ये भाजपा को ही प्रेफर करते थे करके। एक आध भाई हैं जो कांग्रेस के विरोध वो करते हैं कि नहीं वो मेरे ही अपने हैं, तो हमारे घर में यही कंट्रोवर्सी चलती रहती है। लेकिन हम जब से भी आए हैं, जब से हमको वोट मिलने का अधिकार मिला है, तो मैंने हमेशा बीजेपी को ही दिया है। पूर्व की सरकारों से कोई तुलना नहीं किया? नहीं, उनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं था। मुझे तो भाजपा ही पसंद हुई, कमल का फूल कभी नहीं। सर, भाजपा को इसलिए वोट देना चाहूँगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो मैं महिला के लिए ही बोलूँगी कि पहले ऐसा था, मैं ही मेरठ की हूँ, तो
जो मैंने बचपन में देखा कि मेरठ में इतने कर्फ्यूज लगते थे, घर वाले अंदर बंद करके रखते थे हम लोगों को कि बाहर नहीं निकलना, गैर समुदाय के जो लोग होते थे उनका ज़्यादा यहाँ पे वर्चस्व था, जैसा वो चाहते थे वैसा होता था और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो अब भाजपा के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, हम सिक्योर हैं उस टाइम पे, भाजपा के टाइम पे हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, और गैर समुदाय का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है कि वो हमारे ऊपर हावी हो पाए। आपका मानना है कि कानून व्यवस्था मजबूत? बिल्कुल मजबूत है, और पहले तो ऐसा नहीं था क्योंकि जिसकी सोर्स होती थी सिर्फ उसका सुना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आम लोगों की बात सुनी जाती है। जी मैडम, हिमानी मित्तल। हिमानी मित्तल जी बताइए, किसको वोट जिता रही हैं? मेरी वोट भाजपा को जाएगी, बीजेपी को। क्या बात, सभी लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्या क्या मान लिया? हमारे से बड़ों ने भी बीजेपी को दी है जी, हम भी बीजेपी। किस वजह से? काफी सुविधाएं हुई है, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं सड़कें बनवाई हैं मोदी जी ने, और बेटियों की सुविधाएं काफी है, एक वो जो अभी लड़कियों के खाते खुलवाए काफी, तो सारी चीजों की सुविधा हुई है जिस कारण आप बीजेपी में जाना चाह रहे हैं। जी, मैं नूतन त्यागी, मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि वैसे तो सभी बहनों ने सब बता ही दिया, और मैं महिलाओं तो महिलाओं की बात करूंगी। जैसे हम अपनी लड़कियों को पहले बाहर भेजते हुए भी डरते थे, कहीं पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, अकेली लड़कियां जाएंगी, अभी किसी भी टाइम किसी भी रात को महिला किसी भी टाइम जा सकती है कहीं भी, लड़कियों को हम अपने कहीं भी भेज सकते हैं। दूसरे अभी क्या ही बोलूं, सभी बहनों ने बोल ही दिया ये सब, तो सड़कें अभी देख लीजिए कि मतलब हम कितने कम। के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि यहां से बाहरी प्रत्याशी उतारे गए? अरुण गोयल के बारे में ठीक है, सपोर्ट सब उनको ही करेंगे, बीजेपी के अच्छे सब उनको ही सपोर्ट करेंगे। उसके बसपा ने एक प्रत्याशी उतारे हैं, वो त्यागी हैं, क्या उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, इसमें जाति पाति का तो कुछ नहीं है कि त्यागी है कोई क्या है, जो प्रत्याशी अच्छे हैं सब उन्हीं को करेंगे, वो तो बहनों को पता ही है किसको करना है, और वैसे हम बीजेपी के साथ हैं। सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि अभी इंटरनेशनल लेवल पर जैसे हमारे बच्चे हमारे फैमिली बहुत बाहर रहते हैं, तो उनको जो सम्मान अब मिल रहा है इस सरकार में वो पहले नहीं मिलता था वहाँ पर। अभी बाहर यूएई जैसे देश में देखो, वहाँ पे मंदिर बन गया जहाँ को उम्मीद भी नहीं थी किसी को मंदिर बनने की, मंदिर और तो पहले भी बने नहीं, मंदिर थे, हमने देखा है वहाँ पे, हम रहे हैं वहाँ पे, दुबई में ऐसा मंदिर था कि उसमें छुपके ऐसे जाना पड़ता था कि वो शो ही नहीं होता था कि ये मंदिर है यहाँ पे। अभी सनातन धर्म को लोग वहाँ मानने लगे, और पाकिस्तान वाले लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते वो जितनी इंडिया वालों को देते हैं, जबकि वो मुस्लिम लोग हैं वो भी। मोदी और योगी दोनों ही देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रसिद्ध हुए, और दोनों एक दूसरे के बिना मतलब एक दूसरे के सहयोगी हैं, मोदी योगी के सहयोगी और योगी मोदी के सहयोगी हैं। मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतना कार्य किया है कि बताने में भी टाइम लग जाता है। जैसे कि उन्होंने बुजुर्ग महिलाएं जो पहले चूल्हे में रोटियां बनाती थी, तो उसमें आंसू से उन्होंने उज्ज्वला गैस दी, टॉयलेट का करवाया, सड़कें बनवा दी, सबसे ज्यादा आज के जमाने में समय की कीमत है। जो हम उज्ज्वला की सब्सिडी लोगों तक पहुंच तो रही नहीं, नहीं सबके पास पहुंच रही है, नहीं हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे पास तो थी कर दिया था। जी नहीं, हाँ निसंदेह ही मोदी की सरकार बना रहे हैं। किस वजह से? मोदी ने इतना अच्छा काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बदल दिया है। मैं अभी वंदे भारत से बेंगलोर से और चेन्नई गई जी। तो वहाँ अलग ही अनुभव हुआ मुझे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मतलब ऐसा माहौल लगता है एक रेस्टोरेंट में सफर कर रहे हैं, और जो हम 6 घंटे में जाया करते थे वो उसका सफर हमने 4 घंटे में तय कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत जी, बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, और जैसे ये जो जेनरिक दवाइयाँ आई हैं उनसे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है, और जैसे पहले जैसे हम लोग सफर में जाते थे टॉयलेट्स की परेशानियां हुआ करती थी महिलाओं को, अब जगह जगह सुलभ शौचालय बनवा दिए हैं मोदी जी ने, और क्या नहीं करा है मोदी जी ने, जहाँ जहाँ सुविधाएं दिखाई देती हैं चारों तरफ हमें, और न्याय व्यवस्था का तो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, और भारत का मान इतना सम्मान बढ़ गया है भारत का कि जहाँ भी जाओ भारत का, जब पहले भारत को ऐसे हेय दृष्टि से देखा जाता था, और अब भारत को जहाँ जाओ उसको भारतीय ठीक है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और मैं तो ये कहूँगी कि जैसे जो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ वो मोदी जी ने 10 साल में उससे ज्यादा कर दिखाया। मैं सुशीला गोस्वामी जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की ही बनाएंगे हम, योगी और मोदी जी को ही वोट देंगे। किस वजह से? ये है कि सबसे पहले तो लड़कियों के लिए बहुत सुविधाएं हुई है इसमें, जैसे एनडीए में अभी पहली बार सीट मिली है लड़कियों को, तो उसमें अब लड़कियां अपना इसमें भी जा सकती है, उन्हें आरक्षण मिला है जी। और मोदी जी ने मतलब बहुत काम किया है,
और योगी जी ने जैसे देश में मतलब राज्य में जो सुविधाएं की है, जिसकी वजह से पहले क्या था कि हमें घर में छुप के रहना पड़ता था, और मैं हरियाणा से हूँ और यहाँ जैसे ऐसे अंदर घर के अंदर रहो, वो चीज़ें मुझे बहुत वैसी लगती थी कि यार यहाँ क्या है ये चीज़ें। और आज योगी जी की वजह से राजस्थान हरियाणा के लोग भी कहते हैं कि आपके यहाँ तो योगी जी हैं मुख्यमंत्री, बहुत ही बढ़िया है, मतलब कानून व्यवस्था की दृष्टि जी जी बिल्कुल बेटर हुआ है। हाँ जी बेटर हुआ है बहुत। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पायल अग्रवाल जी हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे कि वो किसकी सरकार बनाना चाह रही हैं और क्या कारण है। यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं उनमें से अधिकांश मोदी और योगी के समर्थन में ही उन्होंने बात कही है, तो उसका जेस्ट क्या है, किस कारण से ऐसा पक्ष बीजेपी के लिए बनता चला जा रहा है जी? बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि बहनों ने अलग अलग बात बोली, तो सामान्यता देखा कि बहनों ने सुरक्षा विषय को बहुत ज़्यादा महत्ता दी है। उन्नति राष्ट्र विकसित राष्ट्र हो रहा है, चाहे उन्नत सड़कें हों चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर बात की बहनों ने, चाहे सरकारी जो योजनाएं हों, चाहे आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे जन औषधि केंद्र हो, ऐसे विषयों पर महिलाओं का ध्यान फोकस है। दूसरी बात है जो अभी जो स्टार्टअप में जितनी महिलाओं ने भागीदारी की है उसको लेकर जो महिलाओं में उत्साह देखने को मिलता है, कि पहले था कि कोई भी बिजनेस करो तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको लड़कों के नाम आते थे, लेकिन अब महिलाएं भी बहुत ही मुखर होकर सामने आई हैं, उनको छूट भी दी जा रही है। इसी प्रकार राजनीति में भी अगर देखा जाए हर जगह पे 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है। अगर अपने देश में जहाँ तक सुरक्षा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी है, हमारे देश में स्वनिर्मित जो हमारे हथियार हैं वो बनने लगे हैं, तो कहते हैं हम अधिक सुरक्षित हाथों में जब देश होता है। वैश्विक स्तर पे जो है देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कूटनीतिक दबाव अपना देश बना रहा है, और अभी आपने बात पूछी कि आप जो मेरठ में अरुण गोविल जी को उतारा गया है उनको आप कैसे देखते हैं, तो देखिए हमारे लिए सच में एक प्रत्याशी हैं। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो उनके लिए आस्था वाला विषय नहीं, प्रत्याशी है, और मुझे लगता है कि जब अपने शीर्ष नेतृत्व ने उनको चुना है तो उनमें कोई खासियत होगी, और ठीक है स्थानीय प्रशासन स्थानीय प्रतिनिधि भी उनका सहयोग मिलेगा। हाँ एक नए आदमी को उतारने पे थोड़ी बहुत तो चुनौतियाँ होंगी, ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, परंतु ठीक है अगर सरकार ने चुना है तो हम फिर भी वोट कमल को ही देंगे। भाजपा ने चुना है जी, तो हम कम उनको ही कमल को जिताएंगे। जहाँ तक है कि अपने सरकार से आने वाले समय में क्या अपेक्षा करती हूँ, तो कुछ एक अच्छे का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इधर कुछ मैंने देखा है कि स्मॉल और जो माइक्रो लेवल पे जो इंडस्ट्रीज आते हैं तो उसमें कुछ बिजनेसमैन को था कि जो पेमेंट को लेके था कि 45 दिनों 60 दिन के पेमेंट को लेके कुछ असंतोष मैंने व्यापारी वर्ग में देखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।